हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। आज बहुत दिन से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो काव बनाने के लिए, जैसा अलग अलग एनिमल बनाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को किस प्रोसेस में दिखा जिसमें आप लोग बना पाएंगे बहुत इजी तरीका। तो आज मैंने एक ब्लॉक बनाया, देखिए एक स्क्वायर पूरा ब्लॉक बनाया, उसमें 2 इंच 1.5 इंच से 2 इंच इसका थिकनेस लिया। वो ब्लॉक से आज एक काव बनाएंगे कर्विंग करके, ठीक है। जैसे इसमें विदाउट आर्मेचर, कोई आर्मेचर का जरूरी नहीं है, तो इसको कैसे बनाएं, ठीक है ना। जैसे आर्मेचर बनाना ये करना ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है आप लोगों के लिए जो नया बिगिनर्स है स्टूडेंट के लिए। तो अभी इसको कर्विंग प्रोसेस में कैसे करें, ये देखिए। मैंने जो ड्राइंग किया, ये ड्राइंग सोचिए आप पेपर में करके इसमें टेंसिल भी कर सकते हैं। टेंसिल करके आप मतलब क्ले ब्लॉक जो है ब्लॉक के ऊपर ये जो लाइन मैंने खींच रहा हूँ ये लाइन आप टेंसिल करके पेपर को रख के प्रेस करके उसका इम्प्रेशन लेके भी कर सकते हैं। अभी एक पतला सा वायर ले लीजिए और इसको कटिंग कर लीजिए आउटलाइन का बराबर, ठीक है। ये आउटर लाइन जो है ये आउटर लाइन आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका और भी थोड़ा जो डिटेलिंग है, ये डिटेलिंग आप देखिए मैं जैसा बीच बीच में कर रहा हूँ, आप लोग एक ही बार में आप ड्राइंग पहले कर सकते हैं, उसके बाद आप काम शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से लग रहा है ये जो कटिंग प्रोसेस, जैसा स्कल्पचर में 2 टाइप का प्रोसेस होता है, एक एडिंग एंड कटिंग, तो ये कटिंग प्रोसेस में आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो भी सकता है। जैसे हम लोग मूर्ति वगैरह ये सब बनाता हूँ उसमें सब मैं एडिंग करता हूँ, धीरे 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 एक एक पार्ट ऐड करते जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, सोचिए वुड कार्विंग जैसा होता है, स्टोन कार्विंग जैसा होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कार्विंग, तो ये हार्ड मटेरियल जब कार्विंग करते तो ये सेम प्रोसेस आप लोगों को क्ले में दिखा रहा हूँ। इसमें 4 जो पैर है तो ये पैर में खड़ा होगा तो इसलिए बैलेंस कैसे रहेगा, नीचे क्या देना है, तो ये एकदम इसमें झमेला नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से इसको आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसा स्कूप कर लिए अलग अलग लेयर, अब वहाँ से मिट्टी हटा लिए है ना, वायर जो स्कूपिंग टूल्स है उससे आप इसको प्लेन कर लीजिए, एकदम स्मूथ कर लीजिए। इसमें ज़्यादा एनाटॉमी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए, तो फिलहाल एक मोटा मोटा आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है बेसिक जो फॉर्म है ये आप लोग बना पाएंगे, तो ऐसा एक फॉर्म लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और एक एक एनिमल का जो आइडेंटिटी है, जैसा आप पहचान जिसको बोलते हैं, तो कैसे पहचान जाएंगे जी ये काऊ है, ये एलिफेंट है, ये काऊ का भी अलग अलग मतलब वैरायटी है, तो मेल होगा फीमेल होगा, तो उस पर उसका भी जो करेक्टर है बॉडी एलिमेंट है तो ये क्या है, तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूरा एकदम पॉलिश कर लीजिए, जहाँ पे एडिंग जरूरी है वहाँ पे थोड़ा ऐड कर लीजिए, है ना। इसमें थोड़ा मिट्टी ऐड करना पड़ेगा, ये बहुत ही पतला होता है आप देखे होंगे, नहीं देखा तो फोटोग्राफ ले लीजिए, फोटोग्राफ से स्टडी कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो ड्राइंग आपको साथ में रखना पड़ेगा। ये मसल्स बोन थोड़ा सा दिखाई देता है बॉडी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वायर टूल्स है, ये होममेड एक दिन बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पहले मैं सजेस्ट करता हूँ ये ऑनलाइन थोड़ा परचेस कर लीजिए,
उसमें काम आसान होगा। शेंग बनाते दोनों साइड। ठीक है, अभी दो कान बनाते। इसके फॉर्म को देखिए, हैं एक एक अलग अलग फॉर्म जो है, ये फॉर्म आपको देखना पड़ेगा। जैसा हम लोग गणेश जी का जो कान बनाया था एलिफेंट टाइप का, तो ये गाँव का जो है जैसा गोट, ये लगभग सेम टाइप का है। इसके फॉर्म को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग को सजेस्ट करता हूँ, जैसा कोई स्कल्पचर इस टाइप का कोई एनिमल फिगर कुछ बनाएंगे, तो हर टाइम थोड़ा पेंसिल से स्केच कर लीजिए, पेपर में पहले ड्रॉ करके देख लीजिए, है ना। तो क्या होगा, जब स्कल्पचर आप करेंगे तो इस टाइम आपको हेल्प मिलेगा। टूल्स जो है, मैं अलग अलग जो टूल्स यूज़ करता हूँ, टूल्स का भी डिटेल मैंने वीडियो डाला। टूल्स कैसे होममेड बनाते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेम्बू टूल्स है, इसका भी कैसे बनाएं, इसका भी वीडियो अपलोड किया मैंने, तो ये एक बार देख लीजिए। और आपको ख़रीदना है थोड़ा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने कुछ टूल्स का, कुछ आर्ट मटेरियल का लिंक दिया, अपना अपना हिसाब से वो परचेस कर सकते। ये आई नोज जैसा ह्यूमन फिगर के लिए अलग अलग डिटेलिंग मैंने वीडियो डाला, वो भी आप देख लीजिए मेरा चैनल पे वीडियो में जाके। इसमें एक्चुअली बहुत टाइम लगेगा, एक एक पार्ट का आप स्टडी करके, आप अलग अलग करके बनाएंगे, तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो आप लोग बना पाएंगे बहुत आसानी से, ये मैंने अभी दिखाया। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे एक एक मसल्स बोन्स, तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए थोड़ा स्केच करना पड़ेगा, है ना, तभी आप इसको बना पाएंगे बहुत ही और भी मतलब रियलिस्टिक टाइप का। जैसा पैर में कहाँ कहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होगा, कहाँ पे बोन्स दिखाई देगा, मसल्स कहाँ पे दिखाई देगा, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। अभी पैर का बीच में मैंने ये मिट्टी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ प्यार में चढ़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको ग्रास टाइप का एक बना देता हूँ। सोचिए आप कलर करेंगे तो इसको डार्क ग्रीन, सैप ग्रीन टाइप का कुछ कलर दे देंगे तो बढ़िया लगेगा। और लाइट कलर, जब काऊ को लाइट कलर कुछ कलर करेंगे तो ये डिफरेंस नज़र आएगा। कितना आसान है, देखिए आर्मेचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना, इस टाइप का बना सकते हैं। कोई आर्मेचर का जरूरी नहीं, सॉलिड मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का ब्लॉक ले लीजिए और बना दीजिए फटाफट। हॉर्न का भी देखिए, ये अलग अलग जगह का अलग अलग टाइप का हॉर्न का फॉर्मेशन होता है ना। इंडिया में आप अलग अलग काव देखे होंगे, तो इसका हॉर्न का भी अलग अलग फॉर्मेशन एंगल से ये होता है, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा अच्छा लग रहा है। कुछ एडिंग कुछ ज़रूरी है, कुछ कटिंग ज़रूरी है, देखते रहिए। इसको ढक के रखिए पॉलीथीन में और चेंज करते रहिए, थोड़ा रिटेलिंग कीजिए, फोटोग्राफ देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग भी बनाइए, कैसा हुआ मेरे को भेजिए, मैं भी देखूँगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।